दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अनेकों खूंखार जानवर मौजूद हैं, लेकिन शायद ही सांप से ज्यादा इंसान किसी और जानवर से खौफ खाता हो, क्योंकि जहरीले सांप अगर किसी को काट ले तो कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी मौत हो सकती है। क्योंकि सांप का जहर जैसे ही हम इंसानों के शरीर में जाता है तो वह चंद मिनटों के अंदर ही इंसान के रक्त को जमाने लगता है, जिसके कारण बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता और हमारा हार्ट बहुत जोरों से पंप करने लगता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसे सिरफिरे लोगों की कमी नहीं है जिनके लिए सांप का जहर एक नशे का काम करता है, और वो सांप का जहर पीने के साथ साथ खुद को उन सांपों से कटवाते भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सिरफिरे लोगों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, आपने कहानियों में जरूर सुना होगा कि पुराने जमाने के राजा महाराजा इस डर से कि कोई उन्हें जहर देके मार न दे, इसलिए खुद ही अपने भोजन में सांप का थोड़ा थोड़ा जहर लेते थे, ताकि उनका शरीर विषैले पदार्थ को बर्दाश्त करने लायक हो जाए। लेकिन आज के समय में अगर कोई ऐसा करता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन किंग फिट नामक एक शख्स ने अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को सांपों के जहर को बर्दाश्त करने लायक बनाने के लिए 16 साल से लगातार हर रोज खुद को सांप से कटवाता है। ये एक ऐसा इंसान है जिसका लक्ष्य अपने रक्त से सांप के काटे जाने पर जीवन रक्षक ह्यूमन वैक्सीन तैयार करना है, और इसलिए वह दुनिया के सबसे खतरनाक सांप ब्लैक मांबा और टाइपन से भी खुद को कटवाने से नहीं चूकता। जब टीम ने ऐसा करना शुरू किया तो लोग उन्हें सिरफिरा कहते थे, यहां तक कि उनके बीवी बच्चे ने भी उनका साथ इसी वजह से छोड़ दिया। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने यह माना है कि टीम के अंदर आम इंसानों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा एंटीबॉडी मौजूद है। लेकिन ऐसा करने की गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जैसे साधारण इंसानों की जान कुछ ही सेकंड में निकल जाएगी। लेकिन हमारे देश के जाने माने दार्शनिक सदगुरु हम में से एक नहीं है। सदगुरु अपने लाखों अनुयायियों को जीवन का मंत्र सिखाते हैं, और एक बार ऐसे ही एक सभा में उन्होंने धरती के बेहद ही खतरनाक सांप कोबरा का जहर पी लिया। लेकिन वहां बैठे लोग यह देखकर सोच में पड़ गए कि आखिरकार सदगुरु बिना किसी तकलीफ के अपना सारा काम आसानी से कैसे कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप सदगुरु के इस कारनामे को चमत्कार समझ बैठे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सांप के जहर को निश्चित मात्रा में अपने मुंह के जरिए शरीर में दाखिल कराया जाए तो वह सीधे हमारे पेट में चले जाता है, जहां पर मौजूद जटिल एसिड उसे आसानी से पचा देते हैं। लेकिन अगर आपकी आहार नलिका के अंदर कोई कट मौजूद हो तो यह पेट जहर में पहुंचने के पहले ही आपके रक्त में फैल जाएगा और कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी मौत हो सकती है। अब या तो सद्गुरु को यह पता था कि उनके शरीर के अंदर कोई कट मौजूद नहीं है, या उन्होंने विष का सेवन करने से पहले किसी विष रोधी दवा का इस्तेमाल किया हो। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सांप के जहर को आसानी से पचा लेते हैं। अगर आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।